चलिए रफ करूं इसको डायग्राम को. चलिए अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. देखिए वाई नेट क्या आ जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, सही है ना, प्लस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. ए के जगह पर बी के जगह पर, ए के जगह पर बी के जगह पर क्या आ जाएगा, ए कॉमन कर लो, क्या आ गया साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स. सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, साई साई यस सर यस समझ में आ रहा है ना. यस सर. अच्छा दिशा बेटा, दिशा बेटा सर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से. अरे यार शिट, फिर कैसे होगा, फिर रिजॉइन हो को, रिजॉइन हो को. क्या हो जाएगा बोलो. माइनस कितना होगा, पौर्वी बेटा क्लियर हो? हाँ बोलो ना. क्लियर हो? हाँ. देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, हाँ. दो फॉर्मूला लगा है, ठीक है ना, ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए. गलत है, गलत है, देखो बोल नहीं, नहीं रही है सही सर. है गलत सर, है सर तो हम कर रहे हैं ना नोटबुक में. तब ठीक है, क्या होगा कॉस ओमेगा टी सेकेंड कैंसिल हो जाएगा. साइन ओमेगा टी कॉस, हाँ ठीक है, यह कैंसिल हो जाएगा ना, क्या बचेगा वो कैंसिल हो जाएगा, टू ए साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, ठीक है. इसको कहते हैं स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स. यह किसका इक्वेशन है, वाई नेट, हाँ, और इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स. यह इक्वेशन आपको याद रखना है, याद मतलब ध्यान में रखना. बढ़ो आगे बेटा. ए पौर हो गया बेटा, हो गया सर. हाँ सर हो गया. पौर्वी बेटा कल पापा के हाँ मोबाइल में कुछ फोटो और वीडियो होगा तो उसको आप व्हाट्सएप कर देना, ठीक है ना. पर आई क्यों नहीं रहे, घबराओ मत, तुम लोग को बताते हैं. क्या कल आई क्यों नहीं? अच्छा कल आई क्यों नहीं, दादी अकेली थी ना घर पे. हाँ ये तो बात सही है. एम्पलीट्यूड आर इक्वल टू, स्वानंद तो आ सकता था ना रे पागल, कितना जाएगा. ओ सर मैं आया था ना, अरे नहीं मैं आया था ना. सोन 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 देखो इतना लिख सकता हूँ बेटा, एम्पलीट्यूड यही ना है, एम्पलीट्यूड ऑफ किसका, स्टैंडिंग वेव. क्लियर हो रहा है ना सब लोग?
अब आपको लास्ट क्लास में बताया था इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर। कोई डाउट क्या हो जाएगा? नहीं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4a² cos स्क्वायर kx। क्लियर? क्लियर मीन्स इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा? के स्क्वायर एक्स पे। दिक्कत? दिक्कत नहीं सर। चल मैं रफ करूं बेटा। इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या हुआ? कॉस स्क्वायर के एक्स क्या इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर के एक्स, क्योंकि और 4a² कांस्टेंट होगा। क्लियर है? यस। अब इंटेंसिटी कितने टाइप्स के होते हैं? दो। कौन कौन? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव केस में क्या होगा? आई मैक्सिमम। डिस्ट्रक्टिव केस में क्या होगा? आई मिनिमम। आई मैक्सिमम होने के लिए क्या क्या जरूरी है? कॉस स्क्वायर के एक्स कितना होना चाहिए? वन। हाँ या ना? मतलब कॉस के एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन। यह बात समझ में आ रही है? क्योंकि स्क्वायर इधर जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा। कोई डाउट? और इसका वैल्यू होता है कॉस एम पाई। क्या होता है? एम पाई। इसका जनरल वैल्यू होता है, इसका जनरल वैल्यू होता है एम पाई। तो के एक्स इक्वल टू क्या आ गया? एम पाई। के एक्स इक्वल टू एम पाई। के का वैल्यू क्या होगा? 2π/λ (x = mπ). पाई से पाई गया काम से। x = mλ/2। x = mλ/2। यह x = mλ/2 यह क्या है? पोजीशन। किसका पोजीशन? स्टैंडिंग वेव का। किस केस में? कंस्ट्रक्टिव केस में। वहां पे क्या होगा? तो इंटेंसिटी मैक्सिमम। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा बेटा? अब इसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? λ/2, 1, 2, 2λ/2, 3λ/2, ... These all are called constructive interference in the case of standing wave. क्लियर हुए बेटा? Yes, sir. चलिए अब आए उधर डिस्ट्रक्टिव केस में। सर रुको, हाँ रुको रुको, थोड़ा जल्दी करना क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है। हाँ, इसका फायदा उठाना। फायदा कैसे उठाओगे? इसका फायदा कैसे उठाओगे? एक मेहनत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अरे वो तो ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, लेकिन सेम इसके बाद आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ लोगे तो इसका बहुत जबरदस्त फायदा उठेगा। हमें चल ही रहा है वो वेव ऑप्टिक्स, तो पूरा ही यूटिलाइज हो रहा होगा। चलो आ रहे हैं किस पे? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है? सर सर बोलिए। नीचे आपने वो 2λ/2 लिखा है। हाँ, रेम का वैल्यू 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा ना, तो 1λ/2, 2, 2λ/2, 3। अब आप बोले हो 2, 2 कैंसिल कर दो, कर दो जो तुम्हारी इच्छा। बढ़ू आगे? सेकंड डिस्ट्रक्टिव। आई क्या हुआ? आई मिनिमम। आई मिनिमम का मतलब कॉस स्क्वायर के एक्स कितना होना चाहिए? बोलो। जीरो। माइनस मारेंगे एक थप्पड़। स्क्वायर कभी नेगेटिव होता है? सॉरी। समझ में आ गया? स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो क्या होगा? जीरो। मींस कॉस कॉस के एक्स इक्वल टू जीरो। क्या होगा जनरल वैल्यू? कॉस के एक्स इक्वल टू कॉस 2m + 1π/2। यह जनरल वैल्यू। यह मैथ वाले बच्चे जो 11th में पढ़े हैं
ट्रिग्नोमेट्री उनको पता होगा। तो इसका और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, के एक्स इक्वल टू टू एम प्लस वन पाई बाय टू, के का वैल्यू क्या है टू एम बाय टू पाई बाय लेमडा इन टू एक्स इक्वल टू टू एम प्लस वन पाई बाय टू, पाई से पाई कैंसिल, बचा के एक्स इक्वल टू टू एम प्लस वन लेमडा बाय फोर। मतलब क्या आ गया, व्हाट इज दिस वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन द केस ऑफ स्टैंडिंग वेव एट दिस पॉइंट द इंटेंसिटी ऑफ वेव स्टैंडिंग वेव विल बी मिनिमम, विल बी मिनिमम मिनिमम। हो गया, क्या मैं रफ करूं? चलिए मैं थोड़ा सा दो पॉइंट्स पढ़ाया, मैं रिकॉल करके आगे बढ़ता हूं क्योंकि दो पॉइंट्स हो गए हैं, अब इसके एप्लीकेशन बाकी हैं वो पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा रुक जाओ पहले रिकॉल कर लूं। देखो इधर हमारा टॉपिक कहां से स्टार्ट हुआ था, सुपर पोजिशन थ्योरम। क्या करता है, टू और मोर देन टू वेव्स आर प्रोपेगेट इन द सेम मीडियम द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विल बी ऑब्जर्व इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम। इसका इक्वेशन क्या होता है, वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस डॉट 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 वाई एन। क्लियर, क्लियर, यस। या कितने टाइप्स के होते हैं, चार मैंने बताया था, कौन कौन, इंटरफेरेंस, स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव एंड बीट्स, बीट्स। हमारा ए और ए हो गया ना, इसका क्या बोले थे, जब टू और मोर देन टू वेव्स आर प्रोपेगेट इन द सेम मीडियम द वेरियस बाय द कोहेरेंस सोर्स, ये वर्ड इसमें एक यूज हुआ है। दो चीज इसमें कंडीशन है, सोर्स क्या होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, मतलब एक ही मेन सिस्टम, फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम, फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम, ये दो कंडीशन है, मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तब तो वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी, अब इंटेंसिटी का कंडीशन मैं बता चुका हूँ इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा रहा हूँ, चलेगा ना। इंटरफेरेंस टू टाइप्स का होता है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव केस में क्या बताया था, आई मैक्सिमम, यहाँ पे इंटेंसिटी लिख देता हूँ, इंटेंसिटी। क्या कंस्ट्रक्टिव में आई मैक्स, डिस्ट्रक्टिव में आई मीन। क्लियर, क्लियर। अच्छा, आई मैक्स का कंडीशन बता चुका हूं क्या होता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू एम लेमडा, एम लेमडा, और इसका होता है डेल्टा एक्स इक्वल टू नहीं टू टू एम प्लस वन, टू एम प्लस वन लेमडा बाय टू। अब आगे नहीं लिखा रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इस केस में रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस डेल्टा फाई, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन रूट आई टू कॉस डेल्टा फाई। यही कंडीशन यहां तक पढ़ाया हूं, शॉर्ट में जितना पढ़ाया था टोटल शॉर्ट में मैंने लिखा दिया।
क्या मैं इसको रफ करूं? ये सब लिखते चलना तुमको अब आगे कीजिए ना, क्या करूं मतलब थोड़ा छोटा कीजिए ना स्क्रीन, नहीं स्क्रीन कैसे छोटा करेंगे, ज़ूम आउट कीजिए मतलब पूरा बोर्ड दिखाइए ना एक बार, पूरा बोर्ड देखकर क्या करेगा यार, पूरा देख बोर्ड कैसे दिखेगा, मैं कैसे दिखाऊं तुमको पूरा बोर्ड, हाँ लीजिए नीचे अभी वो बाकी था, क्लासम क्या कर रही है सर वो गाना गा रही है अपने में चल आगे बढ़े बेटा, एक सेकेंड सर लिख लिए ना, अब स्टैंडिंग पे आता हूँ फिर अप्लीकेशन, एक सेकेंड सर, हाँ बेटा हाँ बेटा, तुम लोग को समझ में आ रहा है दिशा बेटा, दिशा yes, बेटा क्लियर हो ना बेटा, समझ में आ रहा है सर बट दिख नहीं रहा है अभी दिखा, ए भगवान तुम एक काम करना बेटा, रे दिशा सर, हाँ यस सर, दोनों में एम्पलीट्यूड अलग अलग है ना, किस में स्टैंडिंग में नहीं डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव, हाँ उसमें एम्पलीट्यूड मेबी सेम में नॉट बी सेम, मेबी सेम में नॉट बी सेम, सेम हुआ तो ये ऐड हो जाता है, नहीं ना सर डिफरेंट ही करेगा ना, इंटरफेरेंस की बात कर रही हो, इंटरफेरेंस हाँ इंटरफेरेंस के टाइप में एम्पलीट्यूड, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं, लेकिन कॉस ऑफ डेल्टा फाई दोनों में डिफरेंट आता है ना वैल्यू, कॉस किस में कौन दोनों में, इसमें दोनों मतलब क्या, डेल्टा फाई में वन कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की बात कर रही हूं मैं, ये दोनों को मिक्स क्यों करो, ये अलग चीज है ये अलग चीज है, और यह रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, यह रिजल्टेंट इसके थोड़ो हैं, ये दीज ऑल आर नॉट डिफाइंड फॉर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, दिस इज द इंटरफेरेंस फॉर्मूला, ऊपर जगह नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, मतलब एक वेव में कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दोनों आएंगे, अरे इंटर हाँ होगा ना, रिजल्टेंट वेव में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों साथ में होता है, एक बार कंस्ट्रक्टिव दूसरी बार डिस्ट्रक्टिव, सुन मेरी बात, तुम बोलती हो तो क्या एक वर्ड अगर र वर्ड आता है तो र ऐसे बोलती हो क्या, नहीं ऐसा होता नहीं। है क्या, हर दो देख सुनो मेरे, हर मैंने बोला उसके बाद फिर ब्रेक आया, हर कंस्ट्रक्टिव फिर उसके बाद हर दो नहीं समझी हर दो, हर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दो कंस्ट्रक्टिव, समझ में आया क्या, तो हर कंस्ट्रक्टिव के बाद डिस्ट्रक्टिव आएगा, डिस्ट्रक्टिव के बाद कंस्ट्रक्टिव आएगा, ये दोनों साथ में लगा रहेगा, सुख के साथ दुख, दुख के साथ सुख, चलो पढ़ूं आगे, दिशा बेटा यस सर, आप यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे सेम वीडियो मिलेगा, विद्या लिख लो, विद्या एजुकेशनल एकेडमी, विद्या एजुकेशनल एकेडमी नासिक, वहां पे डालना स्टैंडिंग वेव, तुमको मिल जाएगा ये वीडियो, अभी नहीं क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है सर, ठीक है ना, हाँ अभी देखो स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव में क्या बताया मेरा कंडीशन, बोलो वाई नेट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ वाई नेट, अब मैं उतना छोटा नहीं लिखूंगा, टू के सॉरी कितना आएगा, वाई नेट टू ए कॉस ऑफ टू ए कॉस के एक्स के एक्स, या एम्पलीट्यूड होगा ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, क्लियर, एम्पलीट्यूड
कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आर टू ए कॉस के एक्स, ठीक है, ठीक है ना, सॉरी हाँ बड़े आगे या कितने टाइप्स के, दो, कौन कौन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां पे इंटरफेरेंस आएगा, और सेकंड क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव, अब बताइए कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, आई मैक्स, आई मिनिमम, ठीक है, आई मैक्स में क्या होगा बताइए, तो अभी बताया था डेल्टा एक्स स्क्वायर के एक्स इज वन, नहीं वो सब चीज नहीं लिखना है, डायरेक्ट सब लिखो, उतना लिखेंगे तो जगह कहाँ बचेगा, एम लैम्डा बाय टू, एम लैम्डा बाय टू, और यह क्या होगा डेल्टा एक्स एम टू एम प्लस वन, टू एम प्लस वन लैम्डा बाय फोर, बस बात खत्म हो गई, ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखने, अब एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, सर बेटा मेरी आवाज आ रही है, एकदम आ रही है, मेरा दो तीन दिन से यार वाईफाई नहीं काम कर रहा, पता नहीं क्यों, तो आप कैसे कर रहे हो, कैसे मोबाइल से कनेक्ट किया हूँ, मेरा क्लास नहीं हुआ शाम का, आज शाम का हुआ लेकिन उसके बाद वाला लेक्चर नहीं हो पाया, कौन सी कंपनी का है, अरे तुम्हारा ही है ना वाईफाई, नहीं दूसरा कोई बोल रहा है, तो वाईफाई तो तुम्हारा जो तुम जिससे तुम लियो उससे मैं लिया हूँ, सर कोई और बोल रहा है, सानंद नहीं बोल रहा है, अच्छा साई बोल रहा है क्या, हाँ बेटा, तो ये है कौन सा कंपनी का है भाई, एक सेकंड अंकित बेटा क्लास में हूँ, क्लास के बाद कॉल करता हूँ, ठीक है ना, हाँ रफ करूँ, लिखो एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, लिखो नोड, कंसेप्ट ऑफ नोड एंड एंटी नोड, कंसेप्ट ऑफ नोड एंड एंटी नोड, लिखे नोड किसे कहते हैं, नोडल पॉइंट का मतलब यह सिर्फ एप्लीकेशन है, किसके लिए एप्लीकेबल है ये बात ध्यान देना, किसके लिए है, सुपर इम्पोजिशन, स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव में ही ये वैलिड है और कहीं नहीं, स्टैंडिंग वेव क्या होता है, हरे चाव चाव, तू बनाएगी बैठ के खाना, यहां देखो स्टैंडिंग वेव है, इसको क्या कहते हैं, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड नोड, इस पॉइंट्स को कहते हैं नोड, मैं यहां पे लिख देता हूं नोड, और देखो इंडिकेट करता हूं, ये नोड्स है, नोड्स का मतलब जहां पे y डिस्प्लेसमेंट क्या हो, जीरो, जीरो हो, मतलब y में यहां पे देखो रे y का वैल्यू क्या है, यहां पे जीरो है, जीरो है, वाई जीरो का मतलब, हाँ बोल बेटा, सर वो एरोस गलत हो गया शायद से, मेरी मेरा हम्म, अच्छा अच्छा उल्टा हो गया ना,
नहीं, एक एक छोड़ के आएगा ना, मतलब समझा आपको? ओ तुम ये, हाँ, मैं समझ गया। एक तरफ एक ऐसा उल्टा नीचे है ना, तो भावनाओं को समझो ना यार। हाँ चलो खुश। और देखो अभी नोट के बारे में बात करें, बाद में एंटी नोट की बात करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे y डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, मतलब y एम्पलीट्यूड क्या होगा, जीरो। एम्पलीट्यूड क्या होता है, 2a साइन kx, किस केस में, स्टैंडिंग, क्योंकि यह किसका केस है, स्टैंडिंग वेव का। और नोडल पॉइंट के लिए ध्यान दो, नोडल पॉइंट के लिए यह वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा ना, मतलब साइन के एक्स का वैल्यू क्या आएगा, किसके लिए, नोडल के लिए। अब आते हैं इसका वैल्यू निकालने के लिए, मैं इधर लिखूं, इसको कर दूं ऐसे, साइन के एक्स इक्वल टू जीरो, इसका वैल्यू क्या होगा, कब जीरो होगा, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, 180 जीरो ना, हाँ जीरो, मतलब 180 जीरो एम पाई होगा क्या, एम पाई जीरो जीरो वन जीरो सही। सो क्या आ जाएगा, के एक्स इक्वल टू एम पाई, के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2π/λ इंटू एक्स इक्वल टू एम पाई, पाई से पाई कैंसिल, सो एक्स इक्वल टू एम लेमडा बाय टू। और दीज पॉइंट्स पे क्या बनेगा, नोड बनेगा, एम का वैल्यू 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, तो एक्स इक्वल टू 0 लेमडा बाय टू, 2λ/2, 3λ/2 डॉट डॉट, ये क्या, इन दीज पॉइंट्स पे क्या बनेगा, नोड्स। आइए दिखाते हैं कैसे, पर लिख लीजिए उसके बाद, जल्दी करते, थोड़ा सा फास्ट करेंगे ना तो ज्यादा मजा आएगा, समझते हुए। बढ़ू आगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो बोल देना, मैं स्लो हो जाऊंगा। स्वानंद समझ में आ रहा है रे? हाँ आ रहा है ना, मैं एकदम कंप्लीटली जो कहा जाता है कि डीप में जाने के लिए जा रहा हूं, लेकिन लैंग्वेज और शॉर्ट ये सब चीज लिखवा नहीं रहा हूं, जिस तरह से 11th को पढ़ाया जाता है वैसे नहीं, मैं क्रैश कोर्स के टाइप का पढ़ा रहा हूं, चलेगा ना? चलिए अब आइए देखते हैं कि नोट्स कहां बनता है डायग्राम में। देखिए तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, बोलते चलो थोड़ा अब, जीरो। यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा बेटा, लैम्डा बाय टू यहाँ पे लैम्डा, तो लैम्डा यहाँ पे थ्री लैम्डा बाय टू, सही है ना, डॉट 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 डॉट। अब देखिए तो ये वैल्यू आया था क्या, देखिए तो हाँ, हो गया नहीं सर, रब करो बेटा, अभी हमने क्या क्या देखा भाई, क्या क्या देखा अभी, नोड, नोड के बारे में पढ़ रहे, नोड क्या होता है,
जहां पे वाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, जीरो जीरो, ये होता है ना वाई इक्वल टू जीरो। वाई का फॉर्मूला क्या आता है, किसके लिए अप्लीकेबल है? स्टैंडिंग वेव्स, स्टैंडिंग वेव ओनली। ध्यान देना क्या होगा फॉर्मूला, टू ए कॉस के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी, और यह y क्या आना चाहिए जीरो, किसके लिए नोड के लिए। यह किसका इक्वेशन है, स्टैंडिंग वेव का। लिखते चलिए लिखते चलिए लिखते चलिए, यहां पे y जीरो मतलब यहां पे दो टर्म है, कॉस का भी साइन का, तो अभी केस किसका लिए, कॉस के इफ इफ कॉस के एक्स इक्वल टू जीरो, देन x का वैल्यू कितना आया अभी बताइए, बताए अभी बताए उन्होंने कितना आया फॉर्मूला, लिख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, क्या बनेगा।